ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परासयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रियः इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेणा शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावना के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ओम अज्ञानति निरंधस्य ज्ञानञ्जनं समाप्य चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कनां मह्यं ददाति स्वात्मनातिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं सुधीरं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादां सहगणनमिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमुखे भक्तिविलास स्वामीति नाम्ने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे कारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भगवद गीता का श्लोक है 439। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन है जो भगवद गीता को समझ सकता है। बहुत सारे लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं और अलग अलग लोगों की कमेंट्रीज पढ़ते हैं, लेकिन भगवद गीता को पढ़ने के बाद उसके एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। भगवद गीता पढ़ने के बाद भी जीवन जैसा चल रहा है वैसे चलता रहता है। तो कौन है जो भगवद गीता को समझ पाए? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। तो दो क्वालिफिकेशन चाहिए है भगवद गीता को समझने के लिए। पहली क्वालिफिकेशन है फेथफुल, पहली क्वालिफिकेशन है फेथ होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन है सेंस कंट्रोल। तो इन दो सब्जेक्ट पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट है फेथ और दूसरा है सेंस कंट्रोल। अगर हमें अपने स्क्रिप्चर्स पर फेथ नहीं है, इसको हम पढ़ लें या हम टेलीविजन पर देख लें
इंटरनेट पर सीरियल्स देख लें, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर हमने भगवत गीता पढ़ लिया लेकिन एक स्तर का सेंस कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, तो भी क्या होगा, हम समझ के भी भगवत गीता नहीं समझ पाए। तो सबसे पहले फेथ, ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो केवल एक फेथ पे चल रही है, मानने पे चल रही है, एक ओपिनियन पे चल रही है, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो करने देना चाहिए, बहुत ज्यादा दखलअंदाजी नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं, कोई एब्सोल्यूट राइट या रॉन्ग नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। तो स्पिरिचुअलिटी को अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि ये ब्लाइंड फॉलोइंग, ये केवल एक श्रद्धा की बात है, एक विश्वास की बात है। अभी हम मॉडर्न एज में जा चुके हैं और यहाँ पर हर चीज लॉजिक से चलती है, हर चीज में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक बार क्या होता है कि ये कोई साधु होते हैं, सेंटली पर्सन होते हैं, वो किसी जगह प्रवचन देने जाते हैं, लेक्चर देने जाते हैं, और वहां जितनी ऑडियंस बैठी होती है उनको पूछते हैं कि कौन है जो आप में से भगवान को मानते हैं, कौन कौन है जो भगवान को मानते हैं। तो सभी अपना हैंड रेस करते हैं और साधु बोलते हैं कि आप सब लोग भगवान को मानते हैं तो मुझे लेक्चर देने की क्या जरूरत है, आप ऑलरेडी सब कुछ जानते ही हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे हमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उनसे सुना नहीं हमने, तो अभी हम दोबारा उनको बुला के लेके आते हैं, फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर से उनका लेक्चर हम सुनेंगे। फिर साधु पूछते हैं कि आप में से कौन है जो भगवान को मानते हैं, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो साधु बोलते हैं कि हाँ सब नास्तिक बैठे हुए हैं, नास्तिकों के बीच में थोड़ी मैं कुछ लेक्चर दूंगा। फिर साधु वहां से चले जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर लोग सोचते हैं, फिर अपमान हो गया, अब क्या करें। तो सोचते हैं कि 50% बोलेंगे हम नास्तिक हैं और 50% बोलेंगे हम आस्तिक हैं। तो फिर वो साधु तीसरी बार आते हैं और फिर साधु पूछते हैं कि कौन है आप जो भगवान को मानते हैं, तो 50% हैंड रेस करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, और 50% हैंड रेस नहीं करते। तो साधु बोलते हैं जो 50% लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, वो लोग क्या करें जो 50% नहीं मानते, उनको बता दें, मेरी क्या जरूरत है। तो हमारी भी जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो कुछ इस तरह से, खासकर हमारे जो ब्रेन है उसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, और दूसरे कंपार्टमेंट में साइंस। तो जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच में घिरे होते हैं या मॉडर्नाइजेशन में जाते हैं, तो हमारा एक तरह से कंपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है और हम सोचते हैं कि कितना सब एडवांसमेंट हो रहा है, कितना सब इजी गोइंग हो गया है, कितना सब आसान हो गया है। और जैसे ही हम मंदिर जाते हैं या कोई उत्सव आने वाला होता है, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है या कभी हम तीर्थ में जाएंगे, तो वहां पर हमारी तुरंत एक श्रद्धा हो जाती है, हाँ भगवान है, कोई कंट्रोलर है, उनके सामने झुकना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। तो ऐसे हमारे दो कंपार्टमेंट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते रहते हैं, है ना। तो कभी हम लॉजिक से चलते हैं, कभी हम इमोशन से चलते हैं। तो जो साइंस को समझते हैं कि साइंस में हर चीज लॉजिक है, और जो डिवोशनल पाथ है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वहां पर या तो ब्लाइंड फॉलोइंग है या एक इमोशंस काम करते हैं, है ना। तो थोड़ा हम इस पर डिस्कस कर पहले करते हैं, क्या जो हमारी आधुनिक विज्ञान है, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, क्या हर चीज़ वहाँ पर लॉजिक से चल रही है, हर चीज़ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये टॉपिक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें ये जो पूरा क्रिएशन हुआ है, पूरा ये संसार है, वो कैसे बना है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये संसार कैसे बना है और क्यों बना है, तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है वो भी समझ जाएंगे। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि पूरा यूनिवर्स बनाया क्यों है, इसका पर्पस क्या है, जैसे कि ये स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, कोई फ्लाइट से जा रहा है और गलती से उससे अफ्रीका के जंगल में स्मार्टफोन गिर गया, लैपटॉप गिर गया। अभी कोई सोच रहा है कि इसके अंदर पता नहीं कोई भूत है, कोई सोच रहा है कि इसके अंदर कोई माइक्रो कोई मैन बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कोई, अलग अलग तरीके से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन
जिसको प्रॉपर नॉलेज होगा इस टेक्नोलॉजी का, वो बता पाएगा इसका यूज क्या है। तो जो तो उसी तरह से जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो इस सृष्टि के बारे में क्या बताती है, और हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो सृष्टि के बारे में क्या बताते हैं। तो जब हमको समझ में आ जाएगा, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक यूनिवर्सिटी में जाता है और यूनिवर्सिटी में गार्डन में घूम के आ जाता है ना। गार्डन में गया तो यूनिवर्सिटी में जाने का पर्पस घूमना नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाने का पर्पस वहाँ पर स्टडी करना है, वहाँ पर डिग्री लेना, ग्रेजुएट होना। तो उसी तरह से ये पूरा जो यूनिवर्स बनाया गया है, ये पूरा जो पृथ्वी बनाई गई है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ है और इसके पीछे पर्पस क्या है, अगर हम ये समझ जाएंगे तो फिर साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में क्या है उसको हम हार्मोनाइज कर पाएंगे, उसमें हम सामंजस्य बैठा पाएंगे। तो ये सब सृष्टि बनी कैसे, क्योंकि अगर हमको पता चला, इन केस हमको पता चला कि इस सृष्टि के पीछे कोई एक सृष्टि करता है, एक क्रिएटर है, तो हमारे जीवन को जीने की आइडियोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। और अगर हमको पता चलेगा कि इस सृष्टि को बनाने के पीछे कोई नहीं है, ये बाई चांस बन गई है, अभी हमें एक्सप्लोर करना है कि ये सृष्टि कैसे बनी है, तो हमारे जीवन जीने का जो आइडियोलॉजी है वो पूरी चेंज हो जाएगी, है ना। इसीलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे क्रिएशन हुआ और इस लाइफ का पर्पस क्या है। तो जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि ये जो पूरा क्रिएशन हुआ है, जो पूरी सृष्टि बनी है, वो कैसे बनी है, एक एक्सप्लोजन से बनी, एक बिग बैंग से बनी, है ना। बिग बैंग एक क्या था, एक इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्प, जो सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं वो उनको पता नहीं था, और उसको उन्होंने एक नाम दिया सिंगुलैरिटी। एक सिंगुलैरिटी था, एक पॉइंट था, और उस पॉइंट में, उस सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। अभी वो पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक्सप्लोजन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, टेम्परेचर डिक्रीज होता गया तो अलग अलग तरह के फोर्सेस बनना चालू हो गए, और धीरे 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 पूरे वॉल्केनोज बने, धीरे धीरे ओशंस बने, और कई लाखों करोड़ों बिलियंस ईयर में एक सिंगल सेल बना। और जब उससे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ क्रिएशन, एक सिंगुलैरिटी था, उस सिंगुलैरिटी के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और धीरे धीरे इसको बोलते केमिकल एवोल्यूशन, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते 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 आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर पहुँच गए। अभी इस प्रोसेस में सिंगुलैरिटी से लेकर सिंगल सेल बनने तक कहीं भी भगवान का नाम आया, कहीं भी कोई क्रिएटर का नाम आया, ठीक है, अभी यहाँ तक कोई नाम नहीं है। अभी इसको साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक पर्सन है रूपर्ट शेडरेक, इन्होंने टेड टॉक 13 जनवरी 2013 में अपना एक स्टेटमेंट दिया है, द मोस्ट कॉमन बिलीफ इज दैट ऑल द लॉज ऑफ नेचर वर कम्प्लीटली फिक्स्ड एट द मोमेंट ऑफ बिग बैंग, सारे लॉज ऑफ नेचर फिक्स्ड है। मॉडर्न साइंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल गिव अस वन फ्री मिरेकल एंड वी विल एक्सप्लेन द रेस्ट। आप बस एक एजम्पशन ले लो, आप एक फेथ आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि सब कुछ क्या हुआ, सिंगुलैरिटी से, एक्सप्लोजन से हुआ। गिव अस वन फ्री मिरेकल एंड वी विल एक्सप्लेन द रेस्ट, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेथ रख रहे हैं, करेक्ट, विश्वास रख रहे हैं। हमें से जब साइंस क्लास हमने अटेंड किया होगा स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया होगा कि ये जो पूरा सृष्टि हुई है, ये क्रिएशन हुआ है, इसको आप अपनी लैब में सिमुलेट करके दिखाओ, आप कुछ तो बना के दिखाओ, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक कोई पॉइंट है उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग,
एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग. नथिंग क्या है? नथिंग नथिंग, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अब वो क्या बोलते हैं, मैटर है एंटी मैटर है, दोनों कॉलेप्स करते हैं और फिर नथिंगनेस बन जाता है. इसको बोलते हैं वर्ड जगलरी, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन. तो कहीं ना कहीं हम साइंस में हम फेथ लेके चल रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं, हम भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. कि सारे जो यूनिवर्सेस हैं वो कैसे बने हैं, कृष्ण से बने हैं. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी कह रही है सब कुछ कृष्ण से बना है, और मॉडर्न साइंस कह रही है कि सब कुछ सिंगुलैरिटी से बना है. तो कौन सा लॉजिकल लगता है, कौन सा तर्क संगत लगता है, एक व्यक्ति ने कुछ बनाया है या एक पॉइंट जिसमें एक्सप्लोजन हुआ उसने सब कुछ बना दिया, कौन सा हमें तर्क संगत लगता है? कोई भी यहाँ कोई भी ऐसे हमने संसार में ऐसी चीज देखी है जो अपने आप बन जाती है, कोई अपने आप सिस्टम चल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेकिन वो भी क्या है, पहले उसको गाइड किया गया है उसके बाद वो, जैसे कि अभी तो सबके खिलौने भी चेंज हो गए हैं. पहले बच्चे खिलौने खेलते थे, गुड्डे गुड़िया होते थे, उसमें क्या भरते थे, वो चाबी भरते थे, और चाबी भरने से क्या होता था, वो ऐसे ऐसे हाथ करते थे तो बच्चे क्या सोचते थे, वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है. तो ये जो सृष्टि है वो इतने अच्छे तरह से हार्मोनाइज तरीके से चल रही है, हमें लग रहा है सब कुछ अपने आप हो रहा है. तो क्या, किसको हम लॉजिक माने, एक व्यक्ति ने सब कुछ किया है या एक पॉइंट, एक सिंगुलरिटी में एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते. तो ऐसे तो ये एक एक साइंस में एजम्पशन है, एक फेथ है जिसको हम लेके चल रहे हैं. दूसरा हम देखते हैं कि फिर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, सिंगल सेल बना, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर फिश बनी, फिर एम्फीबियंस बने, फिर बर्ड्स बनी, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर मंकी बने, फिर चिंपांजी बने, है ना, एप्स बने, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, और आज हम सब यहाँ पर गोल्डन सिटी में बैठे हुए. करेक्ट, ऐसे हमारा डेवलपमेंट हुआ ना. हमारे जो एंसिस्टर हैं, हमारे फादर के 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 फादर क्या है, चिंपांजी, मंकी, एप्स, यही है ना. करेक्ट, तो जब मैरिज सेरेमनी होती है या घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं तो हमसे गोत्र पूछते हैं, पूछते हैं ना, गोत्र, आप किस गोत्र के हैं. तो क्या क्या अलग अलग गोत्र बताते हैं, क्या अलग अलग तरह के गोत्र हैं, सांडिल्य, यस, कश्यप, और वशिष्ठ जी, क्षत्रिय, कौरव्य, पराशर, यस. तो अभी आप क्या बोला करिए कि हम सबका जो गोत्र है वो कपि गोत्र है, हमारा गोत्र है चिंपांजी. क्यों, हम तो सब यही एक्सेप्ट करते हैं. दो मैरिज सेरेमनी हो रहा है, एक का गोत्र है चिंपांजी, एक का गोत्र है एप्स. तो एक चिंपांजी के चिंपांजी की लीनेज में आ रहे हैं और एक एप्स के लीनेज में आ रहे हैं. ये यही है. तो हो क्या रहा है, जैसे कोई रिचुअल आया है तो क्या हो गया, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुआ, और जैसे ही कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, साइंस आया, तो दोबारा क्या स्टार्ट हो गया, अरे कोई भगवान नहीं है, किसने भगवान को देखा, ये सब तो कहने वाली बात है, ये तो ब्लाइंड फॉलोइंग है. इस हम ये 21वीं सदी के लोग ये भगवान वगैरह में कुछ नहीं मानते. तो दूसरा तो क्या होता है, जैसे जो मॉडर्न साइंस है वो क्या कहती है कि जो फर्स्ट ह्यूमंस हैं, जो फर्स्ट ह्यूमंस, होमो सेपियंस सेपियंस, सबसे पहले जो फर्स्ट ह्यूमंस हैं वो कब आए इस पृथ्वी पर, सबसे पहले कब आए हैं, 10,000 साल पहले, 10,000 years before.
है ना, ऐसा वो उनका एस्टिमेशन। ठीक है, अभी एक बच्चा है, आप सबके बच्चे जाते होंगे स्कूल कॉलेजेस पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ के आए कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस सेपियंस हैं, वो 10,000 ईयर बिफोर आए हैं। ठीक है, अभी आप उनको मंदिर ले गए, राम मंदिर ले गए, कृष्ण मंदिर ले गए, और फिर आपने बोला कि जो राम है वो त्रेता युग में आए, 8 लाख साल पहले आए। अभी बच्चा स्कूल में पढ़ के आया है कि मुझे टीचर ने बताया है कि सबसे पहला ह्यूमंस कब आए हैं, 10,000 साल पहले आए, और हमारे जो पुजारी हैं जो हाईली इलॉजिकल दिखते हैं वो बता रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान राम आए 8 लाख साल पहले। तो किसको मैं सही मानूं, राम को सही मानूं या अपने टीचर को सही मानूं? तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करने वाले, टीचर को सही मानेंगे। तो उनको क्या लगेगा, ये रामायण है, महाभारत है, ये सब क्या है, माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। एक्चुअली हिंदू शब्द ही अपने आप में गलत है और माइथोलॉजी तो है नहीं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा जो एक एजुकेटेड ग्रुप है उनके बीच में एक बहुत डिलेमा बन जाता है कि किसको हम एक्सेप्ट करें। यहाँ रिलीजन में बताया जा रहा है सतयुग में ऐसा हुआ, त्रेता युग में ऐसा हुआ, और साइंस में हमें बताया जा रहा है कि उस समय तो लोग आग जलाना भी नहीं जानते थे, उस समय तो अपने कुछ हथियार भी नहीं बना, उस समय तो लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी, लोग एग्रीकल्चर एज था, वो तो बहुत स्टोन एज था, और स्टोन एज से हम डेवलप करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो किसको एक्सेप्ट करें, महाभारत रामायण को एक्सेप्ट करें या फिर मॉडर्न साइंस को एक्सेप्ट करें? तो जनरली क्या होता है, लोग हम सब मॉडर्न साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसी मॉडर्न साइंस को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी शुरुआत जो है, जिसका जो बिगनिंग है वो फेथ पर है, जहाँ बताया जा रहा है कि जो क्रिएशन है वो अपने आप हो गया, बाई चांस हो गया। ठीक है, तो एक बुक है हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, आप लोग पढ़ सकते हैं, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर माइकल ई क्रेमो, उन्होंने ऐसे डिस्कवरीज की हैं, ऐसे फॉसिल्स निकाले हैं जिससे पता चला है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो लाखों करोड़ों बिलियंस साल पहले पृथ्वी में सारे जो स्पीसीज हैं उनके साथ एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है अभी कुछ समय पहले आया, ऑलरेडी मॉडर्न ह्यूमंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत एडवांस सिविलाइजेशंस ऑलरेडी अंदर हैं। वो हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई धर्म के बारे में, गीता के बारे में नहीं है, उसमें बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से डिस्कशन किया गया है कि क्या मॉडर्न साइंस हमसे छुपा रही है। फिर दूसरा हम देखते हैं जैसे कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके मन में यह है कि ये संसार अपने आप बन गया है, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है और जस्ट इन्जॉय करना है, और जैसा सब जीवन जी रहे हैं वैसे जीते रहना है, और एक दिन मृत्यु आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इनबिल्ट हो चुका है, अभी क्यों हुआ इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने साइंस पढ़ा, और साइंस पढ़ी होगी, उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे पहले लोग समझते थे एटम, एटम को सबसे छोटा समझते थे। साइंस थोड़ा एडवांस हुआ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, न्यूट्रॉन्स आया, प्रोटॉन्स आया, ये सब आए, फिर उसके बाद लेप्टॉन्स और छोटे पार्टिकल्स आए। ये क्वेश्चन मैंने यूथ क्लास में भी किया था और आपसे भी करूँगा। जब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना, प्रोटॉन के बारे में सुना, जनरली 8th या 9th क्लास में बच्चे सुन लेते हैं, उनका ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, PhD हो जाती है, जॉब हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ। कभी उनके मन में आया कि मुझे ये पढ़ाया गया, मुझे दिखाया क्यों नहीं इसको, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे, कभी हमारे मन में ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो मुझे दिखाओ, अगर न्यूक्लियस है तो दिखाओ। जब हम बात करते हैं कि कृष्ण है तो दिखाओ,
अगर दिखेंगे तो मानेंगे, नहीं दिखेंगे तो नहीं मानेंगे। और जब हमने 8th या 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया कोर साइंस पढ़ना और पीएचडी तक, हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया अपने टीचर्स को कि मुझे इलेक्ट्रॉन देखना है, मुझे प्रोटॉन्स देखना है, न्यूक्लियस देखना है। हम फेथ पर चल रहे थे, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो उसके लिए अभी वो पार्टिकल्स देखने के लिए ट्रेनिंग थी। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में अगर रिजल्ट चाहिए है, कुछ एड रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह से 8th से लेके +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी में टाइम दिया, फिर हमको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन्स है, तब हम समझ पाएंगे। उसी तरह से अगर कृष्ण को देखना है, अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है, तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ तो फेथ हमको रखना पड़ेगा, लेकिन वो हम फेथ रख नहीं पाते। फिर हम देखते हैं आम जीवन में, हम देखें बहुत सारी चीज़ों पे हम फेथ रखते हैं, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में फूड लेते हैं, कभी हम बोलते हैं वहाँ के ओनर को, पहले प्रूफ करके बताओ इसमें पॉइजन है कि नहीं है, ऐसा ना हो मुझे पॉइजन मिला के खिला रहा है। प्रूफ मांगा हमने कभी? कभी भी किसी रेस्टोरेंट में प्रूफ मांग के आए हैं? हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं ना, हर चीज़ में प्रूफ मांगते हैं, तो उसमें क्यों फेथ रखा हमने? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, कॉल ब्लैडर रिमूवल है आपका, है ना, आपको यह मेडिसिन दे रहे हैं। तो कभी हमने डॉक्टर के सामने ऐसा पूछा, पता नहीं ऑपरेशन करते समय मार दिया, क्या भरोसा? क्यों फेथ करूँ, क्यों फेथ रखूँ मैं, क्यों विश्वास करूँ? या आप मेडिसिन दे रहे हैं, पहले इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये प्रॉपरली वर्क करती है कि नहीं करती है। कभी हमने इस तरह से प्रूफ मांगे? नहीं मांगे हमने। हमने क्या किया? फेथ रखा, है ना। जब हम सैलून में जाते हैं, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ बार्बर होता है, बार्बर बाल काटते हुए हमारी गर्दन भी काट सकता है, कर सकता है, थ्योरेटिकली तो कर सकता है, प्रैक्टिकली नहीं करता लेकिन थ्योरेटिकली कर सकता है। हम फेथ रखते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, उस पर उसके ऊपर फेथ रखते हैं कि ये हमें कुछ नुकसान नहीं करेगा, जिस जिस वर्ग के लिए हम आए हैं वो वही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। तो जब हम आम जीवन में इतने सारे चीज़ों को फेथ रखते हैं, हम ग्रॉसरी लेके आते हैं घर में, उसमें हम बस ये देख लेते हैं ISO मार्क है कि नहीं, लेकिन हम कभी लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं, घी आया है घर में, पहले लैब टेस्ट के लिए भेजो, फिर लैब टेस्ट होके आएगा तब उसमें देखेंगे कि कुछ उसमें मिलावट तो नहीं है, तब हम उसको यूज करेंगे। पहले हम देख लेते हैं उसका बैकग्राउंड, देख लेते हैं वो कहाँ से आए। तो जब हम इतने आम जीवन में साइंस की फील्ड में इतनी जगह फेथ करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आके क्यों लॉजिक मांगते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि हर चीज़ लॉजिक से होना चाहिए? हाँ, यहाँ भी लॉजिक है, यहाँ भी लॉजिक्स हैं, लेकिन साइंस किस पे बेस्ड है? जो हम सेंसेस से परसीव कर रहे हैं और जो हम माइंड से परसीव कर रहे हैं उस पर साइंस बेस्ड है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो हम सेंसेस से परसीव करते हैं, माइंड से परसीव करते हैं और उसके बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड भी कई चीज़ें, तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कि अभी चंद्रयान गया, करेक्ट, चंद्रयान मून पे हो गया है और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मून पर ये फाइंडिंग्स आई हैं और उसको हमने लाइव देख लिया या उसका हमने न्यूज पढ़ ली, ठीक है, उसको हमने एक्सेप्ट किया। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, इसरो है, नासा है, गवर्नमेंट है, ये सब कह रही है वो मून पर हो गया है। अभी कोई स्केप्टिकल व्यक्ति आ गया, मैं तो नहीं मानता ये सब चीज़ों, पहले मुझे प्रूफ करके बताओ गए कि नहीं, तो मत मानो। अगर मानना ही है, अगर तुमको प्रूफ चाहिए है तो ट्रेनिंग लो, एस्ट्रोलॉजी की आप ट्रेनिंग लीजिए, आप PhD कीजिए, वहाँ पर ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप जाके देख पाएंगे कि चंद्रमा पे गए हैं कि नहीं गए हैं। लेकिन आपको कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना,
कुछ समय तो देना पड़ेगा, तो ब्लाइंडली हमें कुछ फॉलो भी नहीं करना चाहिए, तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्लाइंड फॉलो हम ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनना चाहते तो ब्लाइंड रिजेक्शन भी नहीं होना चाहिए। कि भगवद गीता क्या, भगवद गीता ये कई लोग पूछते हैं जब हम प्रीचिंग में जाते हैं, तो भगवद गीता तो सही है, आप लोग बोलते हैं भगवद गीता व्यास देव जी ने लिखा है, ठीक है, आप वो कॉपी लेके आओ जो व्यास देव जी ने लिखी हो, जो व्यास देव जी लिखे गए अपने हाथों से वो लेके आओ। तो मैं आंसर देता हूँ कि आइंस्टीन ने E=mc² इक्वेशन लिखा, आप उस पेपर को लेके आओ, जिस पे उस पेपर पे लिखा है वो आप पेपर लेके आओ, फिर मैं मानूंगा कि ये इक्वेशन सही है। जब आप व्यास देव का हैंड रिटन भगवद गीता चाहते हैं, तो जो आपका न्यूटन्स के लॉज है, जो न्यूटन्स ने जिस लैब में जिस पेपर पर लॉज लिखे थे, आप वो लेके आओ, वहां तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ भगवद गीता में ये तो क्या है, किसी व्यक्ति ने लिख दिया, ये तो किसी पर्सन ने लिख दिया, ये तो उनकी फिलॉसफी है, ये तो उनकी आइडियोलॉजी है। तो कम से जब इतने सारे फील्ड में हम फेथ लेके चल रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक लेवल का स्पिरिचुअलिटी में भी फेथ होना चाहिए, अदरवाइज बिना फेथ के तो हम लाइफ में जीवन भी नहीं जी पाएंगे। हम फ्लाइट से जा रहे हैं, हमें डाउट आ गया हाईजैक तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं दिल्ली जा रहे हैं कहीं दुबई ले जाके कहीं हाईजैक कर दिया, आ सकता है, डाउट आ सकता है, फेथ रखते हैं कहीं ना कहीं हमारा तो कहीं ना कहीं हमारा फेथ है कि भाई प्लेन हाईजैक नहीं होने वाला, प्लेन अपने डेस्टिनेशन पहुंचेगा। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी तो साइंस एक्चुअली एक्चुअल सेंस में साइंस कैसे स्टार्ट हुआ, जो क्रिश्चियनिटी थी, हम तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी पूरा फैली हुई थी और लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पर, बाइबल के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे थे, है ना। क्रिश्चियनिटी जो जीसस की टीचिंग्स हैं या बाइबल की टीचिंग्स हैं वो तो साइड हो गई थी, जो वहाँ के चर्च चलाने वाले प्रीस्ट थे वो उन्होंने पूरा क्रिश्चियनिटी को अपने हाथ में ले लिया था। तो जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग थे, जो थोड़ा थॉटफुल लोग थे, वो सोचने लगे कि बाइबल में, बाइबल को फॉलो करने वाले लोग ऐसे होते हैं या चर्च को चलाने वाले लोग ऐसे होते हैं, तो हम तो क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करते हैं, हम बाइबल को रिजेक्ट करते हैं और साइंस के थ्रू जानना चाहेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। साइंस के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि गॉड कौन है, ये पूरी यूनिवर्स इतने सुंदर अच्छी तरह से जो बनाया गया है, इतने हार्मोनाइज तरीके से बनाया गया है, इसके पीछे कौन क्रिएटर है, ये हम साइंस के थ्रू जानना चाहेंगे। इस तरह से इनलाइटनमेंट एज स्टार्ट हुआ और वहाँ से साइंस आई। साइंस पर से टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आई थी, साइंस का डेवलपमेंट हुआ था कि लोग प्रीस्ट के थ्रू, बाइबल के थ्रू, चर्चेस के थ्रू आंसर उनको नहीं मिल रहे थे कि सृष्टि कैसे आई है, उसका पर्पस क्या, तो उन्होंने साइंस का सहारा लिया। और हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है हाउ आइंस्टीन डिस्कवर्स E=mc², उसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे हैं कि ये गॉड ने, सुप्रीम ट्रुथ ने, एब्सोल्यूट ट्रुथ ने इस यूनिवर्स को कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है, ये हम साइंस से प्रूफ करके दिखाएंगे। हम तो हम पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में ये हम प्रूफ करेंगे साइंस से कि भगवान है। आप पढ़ लीजिए जितने भी पहले साइंटिस्ट हुए हैं, अधिकतर साइंटिस्ट जो हैं वो थीस्ट थे, आस्तिक वैज्ञानिक थे, वो 19th और 20th सेंचुरी में पूरा वो फ्लो चेंज हो गया। तो अभी हम आते हैं कि अगर केवल हम साइंस के ऊपर फेथ लेके चल रहे हैं, केवल हम साइंस और हम भगवद गीता को ब्लाइंडली रिजेक्ट कर रहे हैं बिना उसको समझे हुए, तो हालांकि एडवांसमेंट हुआ है, बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है और बहुत सारे समाज में बहुत सारी कमियां भी आ रही, तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या एडवांसमेंट हुए। तो
इलॉन मस्क जो उसने दावा किया है कि 2026 पर मार्स पर कॉलोनाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाए, है ना। और उसने सबसे पहला सिविलियन स्पेसक्राफ्ट स्पेस फ्लाइट उसने डिज़ाइन की है, और न्यूरालिंक ब्रेन चिप्स, न्यूरालिंक ब्रेन चिप्स उसने बनाई है जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि वो ऐसी इम्प्लांटेबल ब्रेन चिप्स हैं कि आपको इम्प्लांट की जाएंगी ब्रेन में, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं उसको हम दूर कर पाएंगे, है ना। और हम अभी देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पेपाल, ये सब मस्क, इलॉन मस्क वो लेके आया है। और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, 5G, 6G, अब 2030 में 9G या 10G तक पहुंचने की उम्मीद है। और भारत की जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत बड़ी है। पहले लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अपने साइन करना भी नहीं जानते थे, तो अभी लोग अधिक से अधिक एजुकेटेड हुए हैं। और पहले एक स्लोगन आया था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दिया था साइनिंग इंडिया, अभी स्मार्ट इंडिया चल रहा है, है ना। तो बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, आईटी पार्क्स बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हुए हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों को मिली है। पहले 6 या 7 आईआईटी थे, अभी ऑलमोस्ट सारे स्टेट में आईआईटीज आने वाले हैं ऐसा सुना है। एम्स पहले दिल्ली में था, अभी एम्स भी 6-7 एम्स हो चुके हैं। और पॉपुलेशन जो है, पहले बहुत बैकवर्ड थे लोग, रूरल एरिया में रहते थे, अर्बनाइजेशन हुआ है, तो इस तरह से एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट ये चला है। और स्पेस रेस में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है स्पेस रिसर्च में, है ना। बुलेट ट्रेन्स, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जो पहले के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, पहले के लोग उसको समझ भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो पाए। तो यहाँ तक भारत आगे, इतना उसकी एडवांसमेंट हुआ है, और उसका डायरेक्शन ये है कि धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज को वो मैच कर जाएगा। तो यस, अभी ये लैपटॉप है तो उसको मैं देख के लेक्चर दे पा रहा हूँ, ये माइक है तो ये भी टेक्नोलॉजी से बना है, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज, प्रॉपर यूज हमें करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हुआ है उसके साथ साथ पूरे भारत में क्या क्या समस्याएं आई हैं उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं, तो थोड़ा हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। हाँ, तो ये सर्वे है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, यहाँ बताया है कि इंडिया में 5,00,000 करोड़ वो अल्कोहल पर खर्च करते हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, 4,00,000 करोड़ जो पैसा है वो इंटॉक्सिकेशन पे खर्च होता है। और गवर्नमेंट जो है 2,00,000 करोड़ लोगों का फिर ट्रीटमेंट करती है जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार यूएसए में एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ अल्कोहलिक्स थे उनके रिफॉर्मेशन के लिए, और जिस दिन हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ उसके अगले दिन वो पूरा हाउसफुल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि मटेरियलिज्म की पीक पर है, लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो कैसे, उसकी स्थिति क्या है। तो और 2.6 लाख इंडियन हर साल अल्कोहलिक की वजह से उनकी मृत्यु होती है, तो 4,00,000 करोड़ खर्च होता है
फिर गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ ट्रीटमेंट में खर्च करती है और फिर करीब 2.5 लाख इंडियंस अल्कोहल के कारण की डेथ होती है। फिर टोबैको 267 मिलियंस टोबैको यूजर्स हैं जिसमें करीब 1.35 मिलियंस डेथ होती है टोबैको यूज से। उसमें अलग अलग तरह के टोबैको हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्राइम रेट इंडिया में, जो सिनेमा पे जो खर्च होता है इंडिया में वो 8 लाख करोड़ होता है, 8 लाख करोड़। अल्कोहलिक पे होता है 4 लाख करोड़, सिनेमा पे होता है 8 लाख करोड़ और एजुकेशन पर होता है 1 लाख करोड़। एजुकेशन में 1 लाख, इंटरटेनमेंट पे 8 लाख और अल्कोहल पे 4 लाख करोड़ इतना खर्च हो रहा है और हेल्थ के ऊपर 0.85 लाख करोड़। तो जो सुसाइड रेट है उसमें बताया गया है 2.5 लाख पर ईयर, 2.5 लाख पर ईयर सुसाइड रेट है भारत में, जिसमें करीब हर घंटे में, अगर हर घंटे का कैलकुलेशन है तो 25 से 30 लोग हर घंटे एवरी आवर सुसाइड करते हैं, है ना। और स्टूडेंट्स के बीच में 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर सुसाइड करते हैं। और ये जो डेटाज हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का है, ये रूरल एरियाज का नहीं है, अर्बन एरियाज का ये पूरा डेटा है। फिर जो क्राइम है, क्राइम रेट, जो इंडिया में क्राइम केस आते हैं, एक साल में 66 लाख क्राइम केस आते हैं और अगर जेल में 100 लोगों का ऑक्यूपेंसी है तो 118 लोग होते हैं उस 100 ऑक्यूपेंसी में। मतलब जेल क्या हो गए, ओवर फ्लडेड हो चुके हैं, जेल भी क्या हो गए, ओवर फ्लड हो चुके हैं। तो हमारी जो भारत की सरकार है, यूनियन टेरिटरी और इंडियन स्टेट्स हैं, वो करीब 76 करोड़ रुपए खर्च करती है प्रिजनर्स को टेक केयर करने के लिए। तो चाहे वो अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या स्मोकिंग, हर फील्ड में हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति, सुसाइड रेट। और इसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि हम अंदर से कितने वीक हैं। बाहर से तो बहुत एडवांस हो गया है, बाहर से तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन अंदर से हम वीक होते जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है ये कड़वा सच है, लेकिन वहाँ बताया 89% लोग 2019 में पोर्नोग्राफी देखते थे, 89%। और इंडिया जो है थर्ड रैंक में है वर्ल्ड पर, ये इस कार्य में वो थर्ड रैंक पर। तो हम एक्चुअली, हम देखा जाए तो अंदर से हम वीक होते जा रहे हैं। बाहर से तो हम बोलेंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, सिक्योर हैं, कोई समस्या नहीं है, एक प्लास्टिक स्माइल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत लोग परेशान। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? और अगर हम गहराई से देखें तो अभी जो जनरेशन है उसके 2 पीढ़ी पहले जाएं तो वो लोग अधिक खुश थे, फैमिली स्टेबल थी और घुलना मिलना होता था और लोग कम बीमार पड़ते थे, हेल्थ इश्यूज कम थे। वो पहले अधिक अच्छा था या आज अधिक अच्छा है? मैं टेक्नोलॉजी की बात में बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे निकल चुके, लेकिन फैमिली स्टेबिलिटी या फैमिली रिलेशनशिप तो, और भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसा कंडीशन क्यों बन रहा है, और भी हम इसमें अभी डेटास आएंगे थोड़ी देर में, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी आएंगे। तो एक बुक है जो डॉक्टर एक पाल हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ पेपर्स का स्टडी किया
और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिया एज दे सॉ, है ना, कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए और जिस तरह से भारत की कंडीशन थी, इंडिया उस समय था, उन्होंने सारा उसको डॉक्यूमेंट किया और डॉक्यूमेंट करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको रखा हुआ है। उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने बुक पब्लिश किया, वो पढ़ सकते हैं, इंडिया एज दे सॉ। उस इंडिया को उसमें उन्होंने जो बताया है, ये फॉरेनर्स हैं, है ना, जो इंडियन कल्चर को लेकर बहुत बायस्ड रहते हैं, उसको बहुत निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं, वो उसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया में, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, है ना, वहाँ पर गरीबी जैसा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ नहीं, ये क्रिएट किया जाता है, मीडिया के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ऐसे जो लॉज हैं वो तुरंत लोगों को कानून मिलता है, लोगों की जो एवरेज लाइफ स्पान है 90, 95, 100 ईयर, है ना, और लोग आजकल हम देखते हैं प्योर एयर लेना, प्योर फूड लेना, वो भी बहुत बहुत मुश्किल हो गया। आज भी कुछ हम कभी कभी विलेजेस में प्रीचिंग करने जाते हैं और उनसे हम मिल्क बोलते हैं कि कितना, कितने का है, तो वो डांट देते हैं, बोले दूध थोड़ी बेचा जाता है, मक्खन थोड़ी बेचा जाता है, ये तो घर में होता है और फ्री में बांटा जाता है, दूध से, मक्खन से, इससे होली खेलते थे लोग, इतना प्रॉस्परस था। मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, ये तो सुने ही नहीं थे लोगों ने। आज जब मैं पहले हॉस्पिटल में था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो 25 साल उनकी एज है और 5-6 साल से ब्लड प्रेशर की टैबलेट उनकी चल रही है, डायबिटीज़ की टैबलेट चल रही है, और उन्हीं के घर में उनके दादाजी हैं 90-92 ईयर्स और एकदम हट्टे कट्टे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं। तो वो इंडिया को स्टडी करके गए कि इंडियंस लोग मटेरियली भी बहुत प्रॉस्परस हैं, कल्चरली भी बहुत प्रॉस्परस हैं और स्पिरिचुअली बहुत प्रॉस्परस हैं। इंडिया के लोग अपने कल्चर से बहुत सेटिस्फाई हैं। अगर इंडियंस पे राज करना, ब्रिटिशर्स क्या थे, शॉपकीपर नेशन, जहाँ भी जाते थे अपनी दुकानें खोलते थे और दुकान खोल के क्या करते थे, वहाँ पर उनको कॉलोनाइजेशन, अलग अलग जगह उनको हड़पना है। तो अगर इंडियंस पे आपको राज करना है, इंडियंस को पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसा दिखाना होगा कि उनके स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनकी स्क्रिप्चर्स क्या है, गार्बेज है, हाईली इलॉजिकल है, और कोई एक आदिवासी थे, एक एबोरिजिन व्यक्ति थे जिसका नाम था व्यासदेव, वो लिख के चले गए। अगर इंडियंस के मन में ये चला गया, है ना, स्किन से इंडियंस हैं लेकिन ब्लड से ब्रिटिशर्स हैं, अगर ये चला गया एक बार, बस फिर जो हम करना चाहते हैं इंडिया में वो हम करेंगे, अगर इधर से चले गए तो भी हम करते रहेंगे, हम भी अपने एजेंट्स यहाँ पर छोड़ के जाएंगे और फिर वो एजेंट हमारे एब्सेंस में इंडियंस को रूल करेंगे, ऐसा वो प्लानिंग करके गए। लेकिन अभी इंडियंस का जो सोशल नेटवर्क था, सोशल स्टेबिलिटी थी, इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पर किसी को पेनिट्रेट करना, किसी को घुसना, वो इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को हायर किया, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को हायर किया, ऐसे इंटेलेक्चुअल जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे आपके स्क्रिप्चर्स क्या हैं, गलत हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है, ये इंडोलॉजिस्ट थे और इंडोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, एक नाम है अलेक्जेंडर डफ, उसने कैलकटा में स्कॉटिश चर्च कॉलेज स्टार्ट किया और उस स्कॉटिश चर्च के कॉलेज के जो एम्स हैं, उस एम में ये है कि हिंदू और सनातन को भारत से ख़त्म करना है। वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के एक जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल में आता है।
फिर एक ना एक थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने भारत की 16 भाषाओं को सीखा था, रीजनल लैंग्वेज को भी सीखा था और संस्कृत को भी सीखा था, और उन्होंने स्क्रिप्चर्स को, वेद को पढ़ना चालू किया, पुराणों को पढ़ना चालू किया, और इस निष्कर्ष पे आए कि भारतीय लोग जो वेदों को और पुराणों को मानते हैं, ये उनका ब्लाइंड बिलीफ है, ये केवल उनका बिलीफ सिस्टम है, इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं। फिर जो बची कुची कसर बची हुई थी वो मैक्स मुलर, मैक्स मुलर आए, मैक्स मुलर ने क्या बोला कि सारे स्क्रिप्चर गार्बेज हैं और ए सिंगल लाइन ऑफ ए बुक केप्ट इन एनी इंग्लैंड्स लाइब्रेरी इज सुपीरियर देन द होल स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। ऐसा हमारे मन में धीरे धीरे डालना चालू किया कि हमारे स्क्रिप्चर्स किसी काम के नहीं हैं, बस एक सुपर नेचुरल चीज़ें बताई गई हैं, एक समाज मॉरलिटी के स्टैंडर्ड पर आए इसीलिए बताए गए। फिर लॉर्ड मैकॉले, थॉमस मैकॉले, उसने क्या बोला, इफ यू कीप इंडियंस लाइक इंडियंस यू विल नेवर बी एबल टू रूल देम। अगर आप भारतीयों को भारतीय जैसे रखोगे तो आप कभी रूल नहीं कर पाओगे। दे शुड बी ट्रेन इन सच ए वे दैट दे कंसिडर देयर कल्चर यूजलेस एंड दिस इज हाउ वी विल एबल टू रूल देम इजीली। कल्चर को उनको यूजलेस समझना, हमारा कल्चर क्या है, बेकार। और एक उस समय के एक विलियम नाम था, उन्होंने तो प्राइज ही रख दिया कि आप किसी सनातन धर्म को मानने वाले को या हिंदू को आप अगर उसकी मेंटेलिटी चेंज कर दोगे, आपको उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज नहीं करना है, आपको उसकी सोच चेंज करना है, आपको उसका एटीट्यूड चेंज करना है, बस चेंज कर दिया प्राइज मिलेगा। ये तो प्राइज ही रख दिया विलियम जोन्स। सोचिए ऐसे इंडोलॉजिस्ट को हायर किया गया भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे फेथ को हटाने के लिए। हमारा लेक्चर ऐसे स्टार्ट हुआ था, फेथ से ही स्टार्ट हुआ, अभी फेथ हट गई, काम खत्म, अभी जो सिखाएंगे सीखेंगे। एक बार संस्कृति खत्म, एक बार फैमिली स्टेबिलिटी खत्म, कल्चर खत्म, अभी जो बताया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस होना चालू हुआ, हर चीज गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिए, कोई गुरुकुल नहीं होंगे। पहले एजुकेशन थी कैरेक्टर बेस्ड, व्यक्ति बिजनेस करना जॉब करना तो उसका बाई प्रोडक्ट था, वो वैसे ही सीख जाते थे, वो तो लीनेज में आता था और सीख जाते थे। लोग एजुकेशन लेते थे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। आज एजुकेशन किस लिए हो गया है, मोस्टली डिग्रीज के लिए, या किसी को बिजनेस चलाना है या जॉब करना है उसके लिए। लेकिन बताया है करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अभी क्या हो गया है, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कोई मतलब नहीं। करेक्टर अच्छा है या नहीं है, ये एक डेटा था, हाँ उसमें बताया गया है, जो हमारे गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं MPs हैं, 40% MPs पर मर्डर और रेप का चार्ज लगा हुआ है, 40% MPs हैं, वो पूरा देश की पॉलिसीज बना रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। त्रिपुरा असेंबली में एक MLA ने फ़ोन पर असली चीज सब देख रहे हैं, असेंबली के अंदर, सोच सकते हैं ऐसी स्थिति। और 28,000 वुमेन को जो सेक्सुअली असोल्ट किया गया, किसकी कस्टडी में किया गया, पुलिस कस्टडी में किया गया, पुलिस कस्टडी के अंदर ये वायलेंस हुआ। अभी जो रूल्स बनाने वाले हैं, जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं, जो प्रोटेक्शन देने वाले हैं, वही उनका ये हाल ही चल रहा है, तो कैसे कितना अनसेफ सिचुएशन हो जाती, कितनी असुरक्षित। और मेट्रो सिटीज़ में तो और ज़्यादा असुरक्षित थी, और एक हैदराबाद का केस, एक IAS ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया,
सेक्सुअल हरासमेंट में। तो ये आए दिन जो अथॉरिटीज हैं, लीडर्स को कैसा होना चाहिए, लीडर्स को स्पॉटलेस होना चाहिए, उनका करेक्टर होना चाहिए। जब उनका करेक्टर होगा, स्पॉटलेस होंगे, तो आम जनता उनको देख के फॉलो करेगी। लेकिन आज लीडर कौन है, कौन ऑफिसर कौन है, करेक्टर हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पावर होना चाहिए, पावर जो है वो पावर से व्यक्ति चलता है, पावर से हम लोगों को क्या करेंगे, नचाएंगे। ये चल गया, करेक्टर तो है ना। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स है, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट और लूँगा क्योंकि सॉल्यूशन पे भी आना है हमको। तो जो ब्रिटिशर्स है वो कल्चर को पूरा एकदम से तोड़ के चलेगा। अभी भी है, कल्चर है। अभी जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी बाहर प्रचार करने गए यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ प्रभुपाद जी बहुत ऐड करते थे। उसके बाद कुछ 5-10-15 लोग आते थे उनको सुनने के लिए। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम कल्चर है या जानते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं वहाँ से मिसगाइड हो रहे हैं, वहाँ से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से क्या हो गया, मिसगाइडेंस हो गया। तो हमारी जनरेशन और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे होंगे, वो तो उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर हम सचेत नहीं हों। तो गुरुकुल सिस्टम ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस डे आया तो भारत को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। भारत क्या है, सेक्युलर। सेक्युलर मींस क्या है, रियल सेंस में सेक्युलरिज्म क्या है, रियल सेंस में सेक्युलरिज्म, रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजन। लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है, सेक्युलरिज्म मतलब नास्तिक। हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते। मिशनरीज अंदर अंदर कुछ भी कर जाएं, लेकिन हम भगवद गीता नहीं पढ़ाएंगे। मिशनरीज प्रेयर कराएं, जीसस को रिस्पेक्ट हो, सब कुछ होगा, लेकिन भगवद गीता रामायण कहीं भी आसपास भी नहीं घूमना चाहिए, वो चल जाएगा। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है। कन्वर्जन का रीज़न केवल वो नहीं है, कन्वर्जन के रीजन जो है, जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि हमारी रूट्स क्या है, हमारी इतनी रिच कल्चर है उसको ही नहीं भूल गए। तो कोई भी थोड़ा सा प्रलोभन देगा वो चेंज हो जाएंगे। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या हो गया, नास्तिकता हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन आ गए और कई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे अपनी संस्थाएं खोली, अपनी दुकानें खोली। और संस्थाएं क्यों खोली, इजी मनी। लोग, भारत के लोग रिलीजन पे तो फेथ रखते ही हैं, थोड़ा बहुत कल्चर तो बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, अलग अलग ऐसी संस्थाएं हो गई, फिर कुछ न्यूज आती है, कुछ हमको पता चलता है, फिर लगता है अरे क्या इस झंझट में पड़ना है, सब सारे जो गुरु हैं, सारे जो संस्थाएँ हैं, सब यूजलेस, सब बेकार। किसी का कुछ स्कैंडल हो गया, किसी का कुछ आ गया। एक बहुत पहले एक वेब सीरीज बनी थी, आश्रम नाम था उसका, तो उसमें पूरे आश्रम में क्या चल रहा है, सोचिए आप, इतना सेक्रेट नाम है आश्रम, अगर उसको मदरसा नाम दे देते तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसकी लास्ट वेब सीरीज होती उसकी, उसके बाद नेक्स्ट वेब सीरीज वो नहीं बना पाता। लेकिन आश्रम नाम दिया और आश्रम में क्या चल रहा है, अब ऐसे लोग देखेंगे, ऐसी न्यूज आएगी तो कोई भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन होगा उस पर क्यों भरोसा आएगा, उस पर क्यों फेथ आएगा। तो फिर बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। तो मेडिटेशन भी सीखना है तो जो भगवद गीता है बताएगा उसके अकॉर्डिंग सीखना है। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी नींद आती है और बोलते हैं आज तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छी नींद आई। एक इंस्टीट्यूशन है वो मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM, वो सिखाते हैं। तो किस पे मेडिटेट करना है, वो बोलते हैं कि अपने आप को देखो, अपने अंदर जाओ, फिर धीरे धीरे तुम्हारे सोल है वो बाहर आएगी, फिर सोल बाहर आती जाएगी, फिर एक ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसमें मर्ज हो जाएगी। और इसके बाद पता चलेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सारी पावर है,
आप क्यों कमजोर समझते हो, क्यों डिप्रेस हो रहे हो, तो इस तरह से वो बताते हैं। तो इससे लगता है हाँ सही बात है, कुछ मैं ही मेंटली वीक था, मैं ही बॉडली वीक था, तो मुझे अपनी पावर को समझना है। वो लॉज ऑफ नेचर नहीं बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेस्टिनी होता है। केवल ऐसा नहीं कि बस सारी पावर होगी और सब कुछ हम कर पाएंगे। फिर लोग, कई लोग बोलते हैं ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता वास्तव में हुई नहीं है, ये कुरुक्षेत्र नहीं हुआ है, ये कुरुक्षेत्र तो हमारे अंदर ही चल रहा है। पांडव भी हमारे अंदर है, कौरव भी हमारे अंदर, फाइव सेंसेस जो हैं वो फाइव पांडव, मन जो है वो द्रौपदी है, और जो हमारे बैड क्वालिटीज हैं वो कौरव है। आपस में युद्ध चल रहा है। तो आप देखिए, कृष्ण को हटा दिया, कुरुक्षेत्र को हटा दिया, और बस क्या ले गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। भगवद गीता में बताया है डेमोनिक क्वालिटीज और डिवाइन क्वालिटीज, लेकिन डिवाइन क्वालिटीज कैसे आती हैं और डेमोनिक क्वालिटीज कैसे आती है वही भगवद गीता में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जब इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने जीवन में संतुष्ट, ऐसे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपना सही बोल रहा है, कोई दूसरा सही बोल रहा है, तो इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, और लास्ट जो जो डिग्रेडेशन का कारण है, उसका जैसे कि एक चाकू है एक डॉक्टर के हाथ में, और वो चाकू एक चोर के हाथ में, और वही चाकू एक बंदर के हाथ में। अगर वो डॉक्टर के हाथ में नाइफ है तो वो क्या कर सकता है, बचा भी सकता है। अगर वो नाइफ किसी चोर के हाथ में तो जान ले सकता है, और बंदर क्या करेगा, अपना भी नुकसान कर सकता है, दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी कैसा है, एक नाइफ की तरह है। अभी कंट्रोल माइंड है, कंट्रोल सेंसेस है, तो उसका हम प्रॉपर यूज करेंगे, और कंट्रोल माइंड नहीं है तो दूसरों का नुकसान करें। जैसे कि बस लास्ट में सर्वे लेना, डेटास लेना चाहूँगा कि कैसे इस समाज में जो ये ओके, कुछ समय पहले एक केस आया था, बहुत फेमस केस था 2019 में, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, अगर आप लोगों ने सुना हो, बहुत फेमस केस था, हैदराबाद का केस था, और उस केस में गैंग रेप हुआ और मर्डर कर दिया, और बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, कैंडल प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे पूरे भारत में बात फैल गई कि कैसे ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं, ऐसे क्यों मार सकते हैं, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी उसमें सामने आई। जिससे निर्भया केस हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग आगे आए थे, इस डॉक्टर प्रियंका रेड्डी उस केस में भी बहुत लोग आगे आए, और उस समय पर जो लोग इतनी सब आवाज़ें उठा रहे थे और इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उस समय इंटरनेट पर चेक किया गया कि लोग सबसे अधिक क्या सर्च कर रहे हैं, सबसे अधिक लोग इंटरनेट पे क्या देखना चाहते हैं, यूथ्स, तो उनका जो सर्च था वो था प्रियंका रेड्डी रेप, वो देखना चाहते। अभी आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज आगे जा रही हैं, और कर क्या रहे हैं, इंटरनेट पे सबसे टॉप मोस्ट लाइम लाइट में क्या है, आप वो सर्च कर। और यहाँ तक हुआ कि कुछ लोगों ने उसका फेक सीन बना के अपलोड भी कर दिया और लोग उसको देख रहे हैं। तो ये तो डुप्लिसिटी हो गई, ये तो डुप्लिसिटी है, क्लियर डुप्लिसिटी है। और यहाँ बताया जा रहा है जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, और डेटा है उसमें बताया है कि 20% एवरी ईयर रेप केस बढ़ रहे हैं, और डेली 86 रेप केस भारत में हो रहे हैं। और इसका जो सबसे मेजर कारण है, जो स्टडी किया गया उसका सबसे मेजर कारण है ये। लोगों को ऐसा पता कैसे चलता है कि ये जो इनोसेंट बालक हैं या यूथ्स हैं, यूथ्स को तो इनोसेंट नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो इस ऐसे कल्चर में जाते तो पता कैसे चलता है। तो
तो सब फोन पर ये सब देख रहे हैं और उसकी वजह से माइंड कंट्रोल नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है और इस चीज़ को कोई रोक टोक नहीं है। इसमें बताया गया है कि 10 में से 9 पेरेंट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे एजुकेशनल पर्पस से इंटरनेट पे जा रहे हैं। 10 में से 9 पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वो एजुकेशनल पर्पस से जा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था 89% लोग 2019 में डेटा था जिन्होंने ये सब कार्य मतलब ये सब देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी गंभीर स्थिति है। वो ऐसे ही हो गया कि एक चोर के हाथ में बंदर के हाथ में टेक्नोलॉजी दे दिया, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे अभी मैं क्या नाम लूँगा, लेकिन ऐसे मतलब बहुत स्थिति बहुत उसमें ख़राब है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी अभी एक वेब सीरीज आई थी लस्ट स्टोरीज पार्ट 1 आया, वो सुपर डुपर हिट हो गया। फिर लस्ट स्टोरीज 2 आए और लोग उसको देख रहे हैं। नाम से ही पता चला लस्ट स्टोरीज हैं और लोग देख रहे हैं। तो अभी हम समझ सकते हैं कि क्या लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे सोसाइटी में, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि स्क्रिप्चर्स को हमें पढ़ना है, फेथ रखना है, इनिशियल कुछ फेथ रखना है, कुछ टाइम देना है, 6 महीने 1 साल कुछ टाइम देना है, कम से कम एक बार लाइफ में पूरी भगवद गीता पढ़ना है, एक बार तो पढ़ें, इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स सुने और हमें पसंद नहीं आए, हमें लॉजिकल लगे छोड़ दें उसको, कोई बात नहीं छोड़ सकते हैं। तो कम से कम कुछ स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ें, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, पहला ये है। दूसरा सेंस कंट्रोल, जैसे मैंने बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, सेंस कंट्रोल। ये सेंस कंट्रोल कैसे होगा? सेंस कंट्रोल के लिए क्या है, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, इंद्रियानि परा नाहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तस्तु। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो अगर आपको सेंसेस को कंट्रोल करना होगा तो माइंड को प्यूरीफाई करना होगा और माइंड को प्यूरीफाई करने के लिए आपको इंटेलिजेंस प्यूरीफाई करना होगा। तो दूसरा है प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे, मंत्रा मेडिटेशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे और मंत्रा में, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से क्या होगा, हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, और चैंटिंग करने से क्या होगा, हमारा माइंड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। और जैसे कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो मटेरियल है वहाँ पर वो एकदम थर्ड क्लास। आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाएं, कितना भी अच्छा बिल्डिंग को बनाएं, वो बिल्डिंग एक दिन गिरने वाली, करेक्ट? तो आप सोसाइटी को कितना भी सजा धजा बना लें, कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें अगर लस्ट, एंगर, ग्रीड अगर भरा हुआ है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस समाज से, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करने वाले जो अभी कुछ मैंने बताया, ये तो केवल एक ट्रेलर जैसा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा, टाइम मैगजीन का रिपोर्टर था, उसने पूछा, प्रभुपाद जी आप ये नाच गाना और हरे कृष्ण महामंत्र तो बताते रहते हैं, लेक्चर दे देते हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर क्या है आपका, सोसाइटी के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, आंसर दिए कि अगर 10 एनिमल्स कुत्तों को एक रूम में छोड़ दिया जाए, उसको लॉक कर दिया जाए, एक दिन छोड़ दिया जाए वहाँ पर, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? एक दूसरे को वो नोच खाएंगे, ऐसे होगा, क्योंकि उनकी क्या है, एनिमल मेंटेलिटी। तो ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, एनिमलिस्टिक है। तो अगर उनको हम एनिमल से ह्यूमंस बना देंगे तो क्राइम अपने आप रुक जाएगा। इसीलिए हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो क्या है, रूट से है और परमानेंट है, पैचअप वर्क नहीं है कि थोड़ा सा कुछ खराब हो गया, हाँ ठीक हो गया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा हम नहीं मानते, ऐसा नहीं,
रूट से सोसाइटी को ठीक करना है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको हमें ठीक करना होगा। और वो ठीक कैसे होंगे, कम से कम स्क्रिप्चर्स पढ़ना स्टार्ट करें और चैंटिंग करना स्टार्ट करें। और लास्ट ये है कि जैसे मैंने बताया था कि साइंस में हम प्रूफ मांगते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में प्रूफ है, लेकिन आपको उस प्रोसेस में जाना होगा। आपको कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो फॉलो करना होगा, चैंटिंग करना होगा, भगवद गीता पढ़ना होगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुद कुछ समय के बाद एक दो महीने में ही आप रिजल्ट आपको मिल सकेगा, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन है। हरे कृष्णा। किसे कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, कोई प्रोटेस्ट है तो हो सकता। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन में जब हम काम करते हैं, वी आर एम्बिशियस, वी आर कॉम्पिटिटिव, फिर जहाँ पे हम रिलीजियस ये स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हम ये सब छोड़ दें, तो ये कहाँ मतलब बीच में कहाँ इसको मैच करें, बिकॉज अगर रहना है तो हमें सब चीजें करना पड़ेगा, इस वर्ल्ड में कम्पीट करना पड़ेगा। पर जहाँ पे स्क्रिप्चर है ठीक है, लेकिन जी ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो इंडिया का मॉडर्नाइजेशन हुआ वो जो आपने बताया उसकी वही थीम थी, जो हमारे फर्स्ट ऐसे पॉलिटिशियंस हुए उन्होंने कहा कि भारत अभी तक पिछड़ा क्यों है, क्योंकि लोग बहुत रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, इसीलिए अभी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को हटाना होगा। लेकिन आप देखिए, अर्जुन है या युधिष्ठिर महाराज हैं तो वो किंग हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इन सब का यूज किस में कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ये तो बताती है कि संतुष्ट होना है, संतुष्ट होना मतलब लाइफ में जब अप एंड डाउन आते हैं उस समय सेटिस्फाई रहना। लेकिन जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमने जो सब कलेक्ट किया है, उन सबको हमें डॉकटेल करना है, उनको हमें छोड़ना नहीं है। अर्जुन तो गीता सुनने से पहले छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने क्या बोला, क्षत्रिय हो तुम्हें युद्ध करना है। तो जिसके पास जो स्किल है, जिसके पास वो टैलेंट है, उस स्किल को, टैलेंट को यूज करना है। कैसे हम भगवद गीता की प्रीचिंग को बढ़ा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम भगवद गीता को बहुत जगह तक पहुँचा सकते हैं। पहले लोग एक ही जगह थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो कंट्रीज में, विलेजेस में, सिटीज़ में, हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो जो जिसके पास टैलेंट है, जो स्किल है, जो सब चीज़ें हैं, उसको हमें डॉकटेल करना है कि कैसे हम भगवद गीता की मतलब हम सर्विस कर सकें और उसको फैला सकें। छोड़ना नहीं है, संतुष्ट किस में रहना है, अप एंड डाउन। तो इसीलिए यहाँ पर एक भगवद गीता जैसे अर्जुन ने कृष्ण के माध्यम से सुनी, तो इसीलिए हमें फिर एक स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की आवश्यकता होती है कि शास्त्रों के प्रिंसिपल को कैसे कब अप्लाई करना है। तो संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ना है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्चर्स के ऊपर, क्योंकि भारत तो बहुत प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, अभी जितना उससे अधिक था, लोग स्क्रिप्चर्स फॉलो करते थे इस तरह से। ओके, तो इसको हम एंड करते हैं।